राजस्थान की पुलिस ने यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है एल्विश यादव को। भाई साहब देख सकते हो राजस्थान, तो गाइस देख सकते हो एल्विश भाई की बारात पहुंच चुके है दुल्हन के घर पे, जश्न मनाया जा रहा है। बाकी विंटेज कार देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है भाई, वाह बेटे मौज कर दी भाई। देख सकते हो भाई डांस वांस चलता हुआ एल्विश भाई की शादी में, धूम धड़ाके से क्या बात। एल्विश भाई को गिफ्ट में 2 G-Wagon मिली है भाई साहब। एल्विश यादव को इस गाड़ी में लेके जाया जा रहा भाई पुलिस के द्वारा, और भाई सारी बारात यहीं पे खड़ी की खड़ी रह गई है। सो यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप सब लोग, होप करता हूं सब मजे में होंगे। एक और GT5 की ब्रांड वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। तो गाइस पीछे देख सकते हो एरोप्लेन है, इधर से उधर हेलीकॉप्टर की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मतलब भाई साहब देखा जाए तो लोग इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब दिवाली के लिए यार काफी ज्यादा लोग इंडिया जा रहे हैं और वहां से भाई साहब काफी मस्त मस्त चीजें लेके आ रहे हैं। तो भाई वो सब तो देख रहे हैं, पर भाई हमारी जो एल्विश भाई की शादी है वो अभी तक रुकी हुई है भाई साहब। तो भाई साहब आज ऐसा होने वाला है, फाइनली अपनी जो बारात है सिटी में अराइव कर चुकी है, डेट वगैरह जो आज की है। तो भाई साहब बारात लेके बस अब दुल्हन के घर पहुंचना ही, हमें सारी बारात आ चुकी है, सारा सेटलमेंट हो चुका है, सब कुछ चीजें हो चुकी है, बस अब करना है क्या, हमें बस वहां पे जाके गाड़ी लगानी है और एल्विश भाई का टोरा दिखाना है सबको सिस्टम। ओ ये बाकी भाई साहब एक स्टंट कर दूं, देखो भाई साहब लाइट आप सब लोग भी बचाया करो, ऐसे सोलर लगवा लो अपनी छतों पे। देखो मैंने भी सोलर वगैरह लगवा रखे, तो सिस्टम तो तुम्हारे भाई ने सेट करवा रहा है। नंबर एक स्टंट दिखाऊं तो ये भैंस की लाइट देखना, मेरा स्टंट देखना, ये जय माता जी, जोर से बोलो जय माता जी। ओ ये सिस्टम है जी, ओ यो 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 भाई, यो भाई भाई भाई, मैं मजा आ गया, मजा आ गया बिल्लू को, ठंडा ठंडा पानी, ओ हो हो क्या बात है क्या बात है। चोप कभी कभी टट्टी कर देता है इसमें, तो यार मैं नहाता नहीं हूँ जल्दी से इसमें, क्योंकि मेरे को चोप के राज पता चल गए। ओ चोपड़ी क्या हाल है, ये री चोपड़ी अपनी उठ चुकी है, खाना वाना खिला दिया इसको, मोटा भैंसा हो रखा। कहते यार चोपड़ी तेरी भैंस की टैट, उठ इधर से, काम भी कर लिया कर कभी कभी, कुछ कुछ काम नहीं करता साला नालायक हरामी। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, अब कोई दिक्कत नहीं है, चोपड़ी को खाना वाना खिला दिया, अब हम भी रेडी वेडी सूट वूट पहन के चलते हैं एल्विश भाई की शादी में, क्योंकि भाई साहब उनको दे रखे हमने अभी अपनी स्कॉर्पियो और उनकी फॉर्च्यूनर अभी हमने ले रखी है, और एल्विश भाई ने जैसा कि आपको पता ही अपनी गाड़ी का रैप वगैरह सब कुछ उतार दिया। तो भाई सिस्टम सेट करने वाली चीज लग रही है, और बाकी दिवाली बहुत करीब है, तो भाई साहब गोकुलधाम सोसाइटी में काफी प्रिपरेशन करनी है, तो वो चीज अब बाकी देखते हैं थोड़ी देर में कि भाई क्या क्या सिस्टम है, जेठालाल अंकल को फोन करके। बाकी भाई जो आज का मेन मुद्दा है हमारा भाई एल्विश भाई की शादी होने वाली है आज काफी धूम धड़ाके से, तो एक बार बस अब रेडी होकर फिर मिलते हैं आपसे रोचे जितना आपको कर रखे चैनल को वीडियो को लाइक कर दो मेरे प्यारे भाई, फिर निकलते अपनी गड्डी फॉर्च्यूनर लाइव निकल के लेके। सो गाइस देख सकते हो अपनी फॉर्च्यूनर आ चुकी है एल्विश भाई की, 0001 HR 26 गैंग है जी, बिल्कुल सिस्टम सेट है जी, और पीछे देख सकते हो जय श्री राम का अपना स्टिकर लगा हुआ है, तो इसे तो कोई हटा नहीं सकता। भैंस की टेंट बाकी भाई काफी ज्यादा प्यारी लग रही है गड्डी, देख सकते हो 0001 नंबर, तो भाई जो चार चांद लगाता है ना इस गाड़ी पे, मतलब सिस्टम सेट कर देता है। और बाकी भाई पीछे की लाइटें वाइटें देख सकते हो, एक नंबर सोदा पानी कर रखा है भाई। भाई क्या लगती है भाई साहब जब चलती है ना अपनी फॉर्च्यूनर, तो ऐसे दुराटे उठाते हुए चलती है। और बाकी भाई साहब देख सकते हो सिस्टम सेट करने के लिए आज हम निकल चुके हैं एल्विश भाई की बारात के लिए, तो वहां पे भाई गड्डी वड्डी पे भी, ओए तेरी भैंस की टिनटिन दारू पी के गाड़ी चलाता है तेरी भैंस की, भाई रुक जा साइड लगा ले बेटा, साइड लगा ले कोई दिक्कत नहीं है, साइड लगा ले बस 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 बस, आ जाओ मुन्ना बाहर आ जाओ, तुम्हारी भैंस की टैट तो ये दिख नहीं रहा गाड़ी का नुकसान कर दिया, और भग रहा है ओ सलमान खान के पोते, बाहर आ तेरी भैंस की टैट, बाहर निकल तेरी ऐसी तैसी है, एक तो गाड़ी लेके भग रहा है तेरी, अरे ओ भाई टांग पे चढ़ा दी मेरी गड्डी, चलो ये तो निपट गया भाई, इसकी टांग पे, इसकी वजह से मैं बच गया भाई, इसकी टांग पे गाड़ी चढ़ी और मैं चढ़ गया, ओ हो हो बाकी इसकी गाड़ी तोड़ के जाऊंगा। भैंस की टेट डेंटिंग पेंटिंग कर दी यार, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया इसकी भैंस की टेट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार इसकी, क्या करो ये ले बेटा ये ले, ऐसे डेंट इसका शीशा तोड़ देता हूँ, 5,000 का नुकसान हो जाएगा सीधा यहीं का ना, ये ले भैंस की टैट, चल भैंस की आंख इसकी। बाकी गाइज अपनी गाड़ी में सुबह सुबह देख सकते दारू पी के चला रहा था और कितना ज्यादा नुकसान हो चुका। अरे अरे तेरी सासू की जय भाई साहब, ये क्या है यहाँ के बंदे भाई साहब, इन्हें चलाना नहीं आता क्या, तेरी भैंस की टिनटिन भारा भारा, तू बेटे तू भारा, तेरा बनाऊ सलमान खान का पापा, ले भैंस की टैट, तू भी ले तेरी भैंस की टैट, चलो भाई साहब फटाफट निकलना पड़ेगा, पुलिस ना आ जाए यहाँ से, भाई सारा भाई साहब यहाँ पे दंगे कर दिया मैंने बहुत ज्यादा, चलो भाई निकल लेते हैं, ऐसे निकल लेते हैं, ओहो भाई साहब भगना पड़ेगा थोड़ा, भाई ऑफ रोडिंग ले लेते हैं इधर की साइड से, भाई साहब ज्यादा ही मैंने बदमाशी कर दी इधर की साइड, चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी गाइज अपना नुकसान हो चुका है फॉर्च्यूनर में, तो पहले फॉर्च्यूनर सुधरवाने जानी पड़ेगी, क्योंकि देख सकते हो भाई इधर की साइड थोड़ा इसका मतलब पेंट वगैरह पता नहीं क्या डेंट सा तो नहीं पड़ा, बस थोड़ा कलर सा हट गया,
तो वो सब एक बार पॉलिश मरवा के ले आते हैं और फिर भाई साहब चलते अपनी बारात जहाँ पे पूरी खड़ी हमारे वेटिंग वेटिंग कर रही है और सारे मेहमानों को लेके फिर पहुँचते भाई जहाँ पे फार्म हाउस बुक करा है। तो वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है वीडियो लोगों आप सब लोगों को, क्योंकि आज होने वाली है एल्विश भाई की ग्रैंड एंट्री उनकी शादी में, तो सिस्टम तो सेट कर ही देंगे ना वीडियो लोगों। तो लेट्स गो सीधा चलते, अरे बेस्की चट काचट गिरे, लेट्स गो तो सीधा चलते वहीं पे और फिर मिलते हैं आप सब लोगों से। जितने आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, और लाइक नहीं करते आजकल आप, लाइक कर रहे हो तो फटाफट लाइक कर दो इसी बात पे, लेट्स गो। तो गाइस देख सकते हो एल्विश भाई की बारात पहुंच चुकी है दुल्हन के घर पे, जश्न मनाया जा रहा काफी खतरनाक तरीके से भाई साहब, सारी गाड़ियों को तो पीछे लगवा दिया गया और भाई जो बाराती है वो बोल रहे हैं कि भाई साहब हम तो नाचेंगे, भाई साहब डांस वांस देखते हो खतरनाक चलता हुआ इधर की साइड, भाई थोड़ा सा साइड में लगा लेते डीजे और फिर इनको डांस पे नचवाते हैं भाई साहब। ये देखो ओ हो हो भाई भाई ये तो पागल हो रखे गाने में ही। भाई देख सकते हो आप एक गोकुल धाम सोसाइटी से बारात आ चुकी है अपनी एल्विश भाई की, क्या बात है क्या बात है भाई, काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी पर भाई साहब पीछे तक देख सकते हो भाई बारात अपनी पूरी खड़ी और डांस वांस देखते हो कितना खतरनाक हो रहा है इधर की साइड, क्या बात है क्या बात है भाई, डांस वांस करते हुए यहाँ पे खतरनाक तरीके से बाराती भाई साहब, ओ ये क्या बात है क्या बात है। और अंदर की साइड आप देख सकते हो सारा फार्म हाउस बुक पड़ा है, तो भाई साहब इधर की साइड ही नाचना पड़ रहा है, बाकी भाई साहब सिस्टम हैंग कर दिया लॉन्डोन इधर की साइड, देखो भाई 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 रे क्या बात है क्या बात है भाई, देख सकते हो एल्विश भाई की बारात में बाराती डांस करते हुए यहाँ पे खतरनाक तरीके से, क्या बात है क्या बात है, सिस्टम है जी, ओ ये भाई 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 ये देखो भाई साहब रे भाई मौज बांध दिया, तो भाई सिस्टम हैंग हो चुका है यहाँ पे, बाराती नाच नाच के फ्लोर तोड़ देंगे आज तो, यूँ लग रहा है यहाँ तो रोड़े तोड़ रहे हैं भैंस की टैटी, भाई साहब बजा रहा भाई पीछे गाड़ी वाड़ी खड़ी है सारी अपनी, भाई साहब सिस्टम हैंग हो रखा है। और बाकी देखते तो भाई डांस वांस चलता हुआ एल्विश भाई की शादी में धूम धड़ाके से, क्या बात है क्या बात है। तो गाइज एक बार आप सब लोगों को दिखा देता भाई, फूल वगैरह हमने हटा दिए यहाँ आने के बाद, गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेज आ रहे थे तो भाई सारी गाड़ियों के फूल वूल हट चुके हैं, बाकी भाई साहब डांस डूंस अपना खतरनाक तरीके से कर ही रहे हैं, तो भाई डीजे यहाँ पे खड़ा कर दिया हमने, बाकी आपको दिखाते भाई सिस्टम सेट करने वाली चीज़ें। तो भाई ये देखो भाई इधर की साइड खड़ी अपनी प्यारी धन्नो फॉर्च्यूनर, क्या बात है क्या बात है, सिस्टम है जी ओ ये। और उसके बाद देखा जाए तो अपनी प्यारी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो पे लिखा है एल्विश भाई अंदर की साइड ही बैठे हैं आराम से अपनी ब्लैक जेट सिक्योरिटी में, बाकी ये देख सकते हो भाई 0001 एल्विश भाई की फॉर्च्यूनर यहाँ पे पीछे खड़ी है, इसमें पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे, जैसे भी कुछ हल्का हलचल होती है तो भाई सीधा भून दिए जाओगे। बाकी अपना गब्बर डीजे देख सकते हो खतरनाक तरीके से आ चुका है, क्योंकि भाई साहब इधर की साइड बुलाना पड़ा डाउनटाउन वाली बस, और भाई पीछे तो देखा जाए तो अपना ट्रक डीजे और भाई जो प्राइवेट गाड़ियाँ आई थी वो नीचे की साइड ही खड़ी करवा दी गई है भाई, यहाँ तक आने की परमिशन नहीं दी है उन्हें, बाकी कुछ गाड़ियाँ जो बाराती के मतलब यहाँ के भी है वो लेके आ चुके हैं भाई ना मानते हुए। भाई देख सकते हो उधर की साइड दो तीन गाड़ियाँ खड़ी है, और ये वाली विंटेज कार देखो भाई क्या प्यारी लग रही है भाई, मैंने अभी ना इसकी चाबी भी ली और चलाने की भी कही, तो भाई साहब एक बार देखिए विंटेज कार, ये देखो भाई साहब विंटेज कार चला के दिखाता हूँ आप सब लोगों को, भाई क्या मस्त कार है भाई, ऐसी चलती है ना आप भी कहोगे बेटे मौज कर दी, पर इसको निकालू कैसे, अरे फ्रैंकलिन द क्लिंटन भाई यहाँ पे फ्रैंकलिन द क्लिंटन काम नहीं आ रहा, अरे कैसे निकालू भाई ये चिपकाके लगा रखी है भाई, ये देखो विंटेज कार, भाई विंटेज कार देख सकते हो धुआं धुआं कर रही है, पर यार इसको मैं चलाऊं कैसे रे भाई, ये तो बिल्कुल मतलब चिपका के खड़ी कर दी बिल्कुल, देख सकते हो इधर की साइड ना, तो इधर की साइड ड्रिफ्ट मारूं, ये भाई साहब इसके टायर वायर ना फट जाए भैंस की टैट, भाई ये तो मैं निकाल नहीं सकता वरना टच हो जाएगी, देख सकते हो पीछे और आगे कितना कम गैप है, बाकी विंटेज कार देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है भाई, वाह बेटे मौज कर दी भाई, इसको अभी चला के दिखाएंगे आप सब लोगों को एक बार भाई, यहाँ पे मतलब ये पीछे वाली गाड़ी हटवानी पड़ेगी, मैं नहीं चाहता इस गाड़ी में कोई भी नुकसान हो, बाकी अंदर का सोदा पानी देखा जाए तो कैसा सिस्टम है देख सकते हो, अभी ब्लॉक कर रखा है क्योंकि जैसे ही भाई बाराती अंदर आने लग जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो मेरे लिए तो यहाँ से छोटे वाले गेट से आ चुका हूँ, बाकी ये देखो ओ हो क्या बात है क्या बात है, तैयारियाँ वैयारियाँ चल रही है, ये सीढ़ियाँ वीडियो सब साफ कर दी गई है, तो इधर की साइड से आएगी अपनी बारात और इधर अंदर की साइड भी जी वैगन वी वैगन खड़ी है काफी मजेदार तरीके से, क्या बात है क्या बात है, सिस्टम है मतलब है पूरा भाई, भाई दो दो जी वैगन, भाई दो दो जी वैगन मिलने वाली क्या एल्विश भाई को, भाई दहेज में दो जी वैगन, पर दहेज तो लेते हैं भाई, एल्विश भाई को गिफ्ट में दो जी वैगन मिली है भाई साहब रे, भाई क्या सिस्टम है, सोदा पानी है। और ये गाड़ियां भाई ये नए नए नंबर प्लेट टेम्परेरी नंबर प्लेट्स के साथ कितनी गाड़ियां दे रहे हैं, बाकी सिक्योरिटी के मामले में देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हद तक भाई काफ़ी खतरनाक तरीके से वो किया गया है, बाकी देख सकते हो प्रोग्राम भाई छोटी पार्टी रखी है, जो आगे वाली पार्टी है उधर की साइड ज़्यादा बंदे होंगे, तो भाई इधर देख सकते हो बोतल वोटलों का सबका इंतजाम कर दिया गया है, ये देख सकते हो भाई साहब क्या सिस्टम है, बाकी बोतल का आपको सिस्टम सोदा पानी दिखाता हूँ इनसी भाई यहाँ पे आएंगे भी थोड़ी देर में, बाकी भाई साहब दारू वारू का फुल इंतजाम, भाई बोतल का फुल इंतजाम कर दिया गया भाई एल्विश भाई की शादी में,
और इधर तो लोग पी भी रहे हैं, देख सकते हो बियर वियर क्या बात है, क्या बात है, सिस्टम है जी भाई यहाँ पे क्या बन रहा। ओहो हो, मैं तो पहले आके देख लूंगा। ओ यहाँ पे तो कौन बन रही है, कौन, क्या बात है, क्या बात है, पूरा सिस्टम पानी सेट है, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रखा गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो इधर की साइड, और इधर क्या बात है, क्या बात है, सोदा पानी सही चल रहा है, और भाई सब सिस्टम मेरे को बढ़िया लग रहा है, एक नंबर है। सिक्योरिटी के मामले में देख लिया जाए तो नीचे की साइड क्या है ये, एक बार नीचे की साइड जाके देखो, ये जंप मार दिया कर तुम्हारा भाई। तो इधर की साइड भी सिक्योरिटी वाला खड़ा है, ठीक है, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रखी है और पूरी प्रिपरेशन चल रही है। अभी जैसे बारात अंदर आएगी तो भाई साहब देखते हैं सिस्टम हैंग हो जाएगा इधर की साइड। ओह भैंस की, इतना पैसा, इतना पैसा मिलने वाला है क्या एलविश भाई को, क्या बात है, फिर तो भाई सिस्टम हैंग ही कर देंगे एलविश भाई। बाकी इधर की साइड भी और भी पैसा मंगाया जा रहा है, क्या बात, क्या बात। इधर की साइड ये पार्किंग जो पीछे वाला बैक एरिया है सारा, मतलब हम छानबीन ले रहे हैं कि कोई भी दिक्कत ना हो एलविश भाई को, इसलिए बाकी सही है। सिस्टम सोदा पानी तो बढ़िया दे रखा पीड़ू लोगों, एक नंबर भाई साहब, एक नंबर, क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर सिस्टम सोदा पानी इधर की साइड भाई, एक नंबर कर रखा है। एक बार भाई और सिक्योरिटी वगैरह को भी देख ली जाते हैं और फिर देखते हैं क्या सोदा पानी होगा इधर की साइड, क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो भी होगा अभी थोड़ी देर में बताते हैं आप लोगों को। एक बार मैं पूरी जाँच पड़ताल करूँ, सिक्योरिटी वाले देखते हो इधर की साइड भी खड़े हैं, यहाँ पर भी खड़े हैं और ये चेक कर रहे हैं अपने भाई साहब, दारू दूरू का स्टॉक फुल होना चाहिए वरना सिस्टम सेट कर देंगे अपने एलविश भाई, तुम्हें पता ही है। तो लेट्स भाई थोड़ी देर में मिलते हैं जब अपनी बारातियों के एंट्री की, तो काफ़ी खतरनाक मजा आने वाला है वीडियो लोगों, जितना आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेट्स गो। सो गाइस देख सकते हो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है एलविश भाई को यहाँ पे, पता नहीं किस इल्जाम में भाई साहब, देख सकते हो अभी वकील वगैरह उसके बात कर रहे हैं और भाई गाड़ी में बिठा चुके हैं यहाँ पे कि भाई साहब तुम्हें लेके जा रहे हैं भाई। एलविश यादव अरेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, देख सकते हो पुलिस आ चुकी है भाई, राजस्थान की पुलिस ने यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है एलविश यादव को भाई साहब, देख सकते हो राजस्थान पुलिस ने भाई साहब यहाँ पे आके एकदम से भाई जैसे ही तीनों गाड़ी आई यहाँ पे लगा दी गई, और भाई एक फॉर्चुनर जो थी उसको तो हमने फरार करवा दिया, उसके ऊपर ही कुछ केस वेस कराया कि भाई साहब ब्लैक जेड फिल्म लगा रखी है और भाई तुम्हारा कुछ एक्सीडेंट हुआ था तो उस पर पेशी पे भी नहीं आया। बाकी भाई साहब देख सकते हो यहाँ पे काफी गंदा सीन हो चुका है भाई, एलविश यादव को अरेस्ट कर लिया गया राजस्थान पुलिस के द्वारा, देख सकते हो यहाँ पे। ओ नो भिड़ू लोगों, काफी गंदा सीन हो चुका है, वकील तीन तीन खड़े कर दिए गए भाई साहब, देख सकते हो रूल्स वगैरह बता रहे हैं, एलविश यादव को इस गाड़ी में लेके जाया जा रहा भाई पुलिस के द्वारा, और भाई सारी बारातें यहीं पे खड़ी की खड़ी रह गई है क्योंकि काफी गंदा सीन हो चुका है इधर की साइड। अब देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता, हमने भी बातचीत की तो भाई बिल्कुल नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि भाई साइड में जाके खड़े हो जाओ, वकील से हम बात कर रहे हैं ना। और बाकी भाई बारातियों को अभी तक भनक भी नहीं है, पर इनको भाई देखने को तो मिल रहा है कुछ तो लफड़ा हुआ है, पर ये अपने नाच गाने में भाई व्यस्त है। ये देख सकते हो भाई यहाँ पे काफी खतरनाक सीन हो चुका है, एलविश भाई को गाड़ी में बिठा चुके हैं तो भाई कुछ दिख भी नहीं रहा, और भाई साइड हटने को कह दिया तो भाई दो तीन बार मेरे को वार्निंग भी दे दी है। बाकी भाई काफी खतरनाक सीन हो चुका है यहाँ पे, देख सकते हो। ओ नो भाई साहब, पुलिस ही पुलिस आ चुके हैं, देख सकते हो भाई इनकी गाड़ी पे चढ़ जाऊं क्या, भैंस की टायर भाई यहाँ पे देख सकते हो, काफी गंदी बहस हो रही है, देख सकते हो पुलिस के बीच में और इनके बीच में, तो काफी भाई सिस्टम सेट होने वाली चीज हो गई है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी देखना पड़ेगा क्या सोदा पानी करना है, क्या सिस्टम पानी करना है, क्योंकि भाई साहब इनकी तो सुताई करनी पड़ेगी एलविश भाई को छुड़वाने के लिए, क्योंकि उनकी जो फॉर्चुनर के ऊपर केस था वो तो सारा सेटलमेंट हमने करवा दिया था, पर अभी तक ये मान नहीं रहे, तो भाई इनका मतलब सिस्टम तो सेट करवाना पड़ेगा। बाकी पूरी बारात यहाँ पे आके खड़ी हो चुकी है भाई साहब, पुलिस वालों ने घेर लिया गया भाई चारों तरफ से, भाई एलविश यादव को घेर लिया गया पूरी पुलिस के द्वारा चारों तरफ से, देख सकते हो। ओ नो भाई साहब, कुछ तो करना पड़ेगा, सिस्टम हैंग, बाकी देखना पड़ेगा क्या सिस्टम क्या हैंग नहीं करना पड़ेगा। बाकी मैं भी यहाँ से चुपके चुपके निकल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब मेरा भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बाकी देखते तो भाई और भी पुलिस आ रही है तो काफ़ी गंदा सीन हो सकता है बेड़ू लोगों यहाँ पे, मेरे को लग रहा है भाई साहब, क्योंकि सिस्टम सेट हो सकता है। तो भाई साहब देख सकते हैं इधर की साइड अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है, पर हॉर्न की आवाज़ आपसे लोगों को भी आ रही होगी, तो हमें भी यहाँ से फटाफट अपना निकल जाना चाहिए चुपचाप, क्योंकि भाई साहब काफ़ी गंदा सीन होने वाला है मेरे को लग रहा है यहाँ पे। बाकी और भी पुलिस आ चुकी है, देख सकते हो वहाँ पे, वो देखो, दिखाऊँ आपसे लोगों को, वो ही देखो, गोली भाई साहब, देखो गोली, अरे भाई साहब यहाँ पे तो पुलिस वालों को ठोक दिया भाई, गोली गोली चल गई है भाई यहाँ तो। ओए भाई साहब काफी गंदा सीन हो चुका है, क्या क्या सीन है, क्या सीन है, देखना पड़ेगा। ओ भाई मेरे को स्पॉट कर लिया गया, मेरे को स्पॉट कर लिया गया, अब गाइस भागना पड़ेगा, मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि काफी गंदा सीन हो चुका है बीडू लोगों, मेरे को स्पॉट कर लिया गया उधर की साइड से, तो भागना तो पड़ेगा बीडू लोगों। रे भागो भागो, ढोली ना ढोल रे पगार मारे बीच धड़के, अरे भगलो बीडू भगलो, मेरे को स्पॉट कर लिया गया कि उधर से कोई बंदा देख रहा है, तो भाई फटाफट यहाँ से भगते हैं, और भाई ड्राइवर को या किसी को भी फोन करके भी फटाफट बुलाना पड़ेगा, तभी कुछ पढ़ना पड़ेगा, जितनी देर में इनमें छुपता हूँ और फिर आप सब लोगों से मिलता। तो ठीक है, इस फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं, होप करते हैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना फिर आज की वीडियो कैसी लगी और एलविश भाई को कैसे छुड़ाया जाए। तो लेट्स गो, जब तक ले चंगा फिर अगली घड़ी, बाय बाय।